दोस्तों जब भी बात आती है कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटी की तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं या सोचते हैं कि क्या हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव को या कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो हाँ, आप जरूर सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम कमांड के माध्यम से अपने कंप्यूटर के ड्राइव को कैसे हाइड करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद तनवीर में। दोस्तों, आप सभी लोग कमांड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कमांड क्या होता है और कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं। जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है वो कमांड से ही सब कुछ करता है। अगर हम बात करें कमांड की, तो कमांड से हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम कमांड के माध्यम से अपने कंप्यूटर के ड्राइव को कैसे छुपाएंगे, हाइड करेंगे और कैसे वापस लेके आएंगे। कमांड से रिलेटेड और कंप्यूटर के ड्राइव से लेकर कि कैसे हाइड करते हैं, ग्रुप पॉलिसी से, रजिस्ट्री से, कंप्यूटर मैनेजमेंट से, ढेर सारी वीडियो हम इस पर बना चुके हैं। आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर के ड्राइव को कमांड से हाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले हम कमांड को ओपन करेंगे और कमांड को ओपन करने के लिए हम जानते हैं कि विंडोज आर, और यहाँ पे जाने के बाद हम आपको CMD में टाइप करना होगा और यहाँ पे ओके करना होगा। जैसे ही ओके करेंगे ये एक ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसा हमने बताया कि हमें कमांड के द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम के ड्राइव को हाइड करना है और वापस लाना है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले एक बार कंप्यूटर को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, हमारे पास 1, 2, 3 ड्राइव है। मैं ई को यहाँ पे छुपाता हूँ, फिर वापस भी ला के दिखाऊंगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे, डिस पार्ट। इसके बाद जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे फिर डिस्क पार्ट लिख के आ गया। अब हमें क्या काम करना है, हमारे पास जितने भी ड्राइव हैं उसके लिए हमें कमांड चलाना होगा लिस्ट स्पेस वैल्यू, लिस्ट स्पेस VOLUME। एंटर करेंगे, जितने भी ड्राइव हमारे पास है यहाँ शो हो रहा है 1, 2, 3, 4 ड्राइव। हम क्या काम कर देते हैं, ई को छुपाते हैं जैसा हमने शुरू में दिखाया। अब हम क्या काम कर देते हैं, सबसे पहले जिसको हमें छुपाना है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें कमांड चलाएंगे सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट जो भी वैल्यू छुपाना, तो हमें ई ड्राइव छुपाना है तो सेलेक्ट वैल्यू ई। एंटर करेंगे, लिख क्या रहा है कि वैल्यू 4 इज द सेलेक्टेड वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें रिमूव करना होगा, तो फिर कमांड चलाएंगे रिमूव लेटर ई और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे लिख किया गया डिस्क पार्ट सक्सेसफुली रिमूव्ड द ड्राइवर लेटर आर माउंट पॉइंट। अब एक बार फिर से कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं और देखिए हमारा ड्राइव छूट गया है। अब हम क्या काम कर देते हैं, फिर से अगर हमको वापस लाना है तो बस नॉर्मल से कमांड चलाना होगा, असाइन करना होगा, असाइन। अब देखिए कमांड भी लिख के आ गया हमारे पास कि डिस्क पर सक्सेसफुली असाइन डायलेटर पॉइंट। अब फिर से हम कंप्यूटर को ओपन करके देख लेते हैं और देखिए हमारा ड्राइव वापस आ गया है। दोस्तों, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, बाय।